अस्सलामुअलैकुम क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 टॉपिक है वेव मोशन। वेव मोशन को डिस्कस करने से पहले मैं वेव को डिफाइन करती हूँ कि वेव हमारे पास होती क्या है। अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच कॉजेज द पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटिंग मोशन अबाउट देयर मीन पोजिशन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। वेव हमारे पास तब प्रोड्यूस होगी जब हम किसी मीडियम में कोई डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। डिस्टर्बेंस से हमारे पास वेव जनरेट होती है। मीडियम में जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स मूव करना शुरू कर देते हैं अब मीन पोजीशन के इर्द गिर्द। उनकी जो मोशन होती है वो वाइब्रेटिंग मोशन होती है। तो वेव हमारे पास किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस कोई खलल पैदा करते हैं उससे वेव जनरेट होती है। वेव ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बट नो ट्रांसफ़र ऑफ मैटर ऑन मीडियम। वेव एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है एक जगह से दूसरी जगह, ना कि उस मैटर उस मीडियम को ट्रांसफ़र करती है एक जगह से दूसरी जगह। जिससे हम उस वेव को प्रोड्यूस करवा रही हैं उसको उसने ट्रांसफ़र नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी जो हम वेव को प्रोड्यूस करवाने के लिए जो एनर्जी दे रही हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक पानी का टब है, उसमें मैंने पेंसिल की मदद से ऊपर नीचे पेंसिल को करके वाइब्रेट करवाया तो मेरे पास यहाँ पे वेव्स ने वेव्स जनरेट होना शुरू हो गए। तो ये जो लाइंस हैं ये वेव्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। यहाँ पे मैंने एक कार्ट रख लिया, जैसे ही ये वेव्स ने मूव करना शुरू कर दिया और कार्ट के साथ टकराई तो कार्ट ने ऊपर नीचे वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। तो ये जो कार्ट है वो अपनी ही मेन पोजीशन के इर्द गिर्द क्या करेगा, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। तो ये जो पेंसिल है इससे मैंने अपने हाथ की मदद से इस पेंसिल को मैंने एनर्जी दी और इस एनर्जी से आगे वेव्स प्रोड्यूस हुई। अब सिर्फ और सिर्फ ये पेंसिल ने इस वेव्स को प्रोड्यूस करवाया, ना कि ये पेंसिल खुद यहाँ से यहाँ तक गई। इस तरह पानी ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है, जब वेव्स ने यहाँ पे जनरेट होना है तो पानी ने ऊपर नीचे हरकत करनी है। तो इसका मतलब पानी हमारे पास मीडियम है और वो मीडियम ट्रांसफ़र नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र होती है जो मैंने अपने हाथ की मदद से इस पेंसिल को दी है। एक्टिविटी नंबर 2 देख लेते हैं कि वो किस तरह है। मैंने एक स्पोर्ट के साथ एक स्ट्रिंग को बांध दिया और यहाँ पे मैंने जब स्ट्रिंग को घुमाना शुरू किया, ऊपर नीचे हरकत देनी शुरू की तो मेरे पास वेव जनरेट हो गई और स्ट्रिंग जोन से है वो अपनी ही मेन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करता है। तो जो वेव प्रोड्यूस हुई है उसका अपर पार्ट हमारे पास क्रस्ट और हमारे पास ये वाला पार्ट जो है नीचे वाला पार्ट है वो हमारे पास ट्रफ कहलाता है। अब देख लेते हैं, जैसे ये वाली स्पोर्ट है मैंने अपने हाथ की मदद से इस स्ट्रिंग को घुमाना शुरू किया तो मेरे पास ये एक पॉइंट पी है। जैसे ही इस रोप ने इस स्ट्रिंग ने ऊपर की तरफ हरकत की तो वो मेरे पास क्रस्ट आ जाता है और जब नीचे की तरफ हरकत करता है तो वो मेरे पास ट्रफ आ जाता है। और ये जो पॉइंट पी है ये हमारे पास परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द वेव, जो हमारे पास वेव की मोशन है ये पॉइंट उसके परपेंडिकुलर है, यानी कि ये पॉइंट जो है वो अपनी जगह पे रहता है, वो मूव नहीं करता, लेकिन जो वेव है वो आगे प्रोड्यूस होना ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है, वो आगे चलती जाती है। इसी तरह हमारे पास टाइप्स ऑफ वेव है, एक है मैकेनिकल वेव्स और दूसरी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स में हमारे पास मीडियम का होना ज़रूरी है, मीडियम होगा तभी हमारे पास मैकेनिकल वेव्स जो सी है वो प्रोड्यूस होगी। तो हमारे पास जो इसकी डिफाइन है वो ये है, वेव विच रिक्वायर्स एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। और इसकी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं वाटर एंड साउंड वेव्स। जैसे कि अभी मैंने ये पानी वाली एग्जाम्पल टब था जो जिसमें पानी था वो मैंने एग्जाम्पल आपको बताई, वही हमारे पास मैकेनिकल वेव्स की एग्जाम्पल है कि हमारे पास जो वाटर था वो एक मीडियम था और इसमें हमने किस तरह वेव्स को प्रोड्यूस करवाया। वेव्स हमारे पास तब तक प्रोड्यूस नहीं होगी जब तक हम मीडियम में कोई डिस्टर्बेंस पैदा ना कर दें। जैसे कि हम बोलते हैं साउंड वेव्स, जैसे हम बोलते हैं तो हमारे हवा हमारे पास एक मीडियम है जिससे हमारे पास जो सी आवाज़ है वो ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो हमारे पास सेकंड है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें हमारे पास मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमारे पास रेडियो वेव्स, लाइट वेव्स, लाइट एंड हीट वेव्स और भी एक्सरेज और भी इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हम डिफाइन इस तरह कर लेते हैं, वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। अब जैसे कि हमारे पास ये एक सन है, सन से लाइट और हीट हमें मिल रही है अर्थ तक। अब
इसमें हमारे पास वैक्यूम भी आ जाता है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो सन है वो उसकी जो सी लाइट है वो हम तक पहुंच रही है, अर्थ तक पहुंच रही है। वो इसकी वजह से कि जो सन के पास जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो रही है वेस्ट की सूरत में, जो कि अर्थ तक आ रही है लाइट और हीट की सूरत में। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था।